देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज आम आदमी पार्टी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कुछ समाचार पत्रों में भाजपा की तरफ से विज्ञापन दिया गया है कि आप महानगर अध्यक्ष विशाल चौधरी ने भाजपा पार्टी ज्वाइन कर ली है। इसी को लेकर महानगर अध्यक्ष विशाल चौधरी ने कहा कि भाजपा बौखला गई है, उन्हें पूर्ण जानकारी नहीं है। आज भाजपा सिद्धांतों व विचारों को छोड़कर जनता को गुमराह करने की राजनीति कर रही है। दो दिन पूर्व जिस प्रकार भाजपा महानगर कार्यालय में महानगर अध्यक्ष विनय गोयल की अध्यक्षता में प्रदेश महामंत्री विधायक खजान दास और मेयर विधायक विनोद चमोली की उपस्थिति में किसी विशाल कुमार नामक के व्यक्ति को फर्जी तरीके से आप नेता व विधानसभा प्रभारी बताकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई गई, वह निंदनीय है। आम आदमी पार्टी प्रेस वार्ता के माध्यम से इसका सार्वजनिक रूप से खंडन करती है। भाजपा के महानगर कार्यालय में पिछले दो दिन पहले उनके महानगर अध्यक्ष श्री विनय गोयल जी ने किसी अज्ञात विशाल कुमार नाम के व्यक्ति को आम आदमी पार्टी का एक बड़ा नेता बताते हुए उसकी बीजेपी में ज्वाइनिंग कराई और समाज में अज्ञात समाचार पत्रों के माध्यम से ये बताया गया कि हमारे महानगर अध्यक्ष विशाल चौधरी जी ने बीजेपी ज्वाइन किया। आज हम इस बात का पूरी तरह खंडन करते हैं कि महानगर अध्यक्ष आज भी अपनी जगह पर है और आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता टूटकर बीजेपी में नहीं गया। हम बीजेपी को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि बीजेपी इस तरह की ओछी राजनीति ना करे। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।